फ्रैक्चरिंग की कोशिश का आरोप लगाया है बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन वैरागी पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग। हालांकि बीते कई वर्षों में इस तरह के शब्द शायद चुनाव के दरमियान से लगभग गायब हो गए थे, लेकिन यहां इस वक्त आज सुनने को मिल रहा है। जुलाना में वोटिंग के दौरान बवाल, बूथ कैप्चरिंग की सूचना के बाद बवाल। बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी भी पहुंचे, पुलिस भी मौके पर ही मौजूद। कौन लगा रहा है आरोप, किस पर लगा रहा है आरोप, कौन कर रहा है कैप्चरिंग, बहुत तरह की ऐसे सवाल हैं। लेकिन सवालात के बीच ये आपको खबर दे रहे हैं हम आपको कि जुलाना में वोटिंग के दौरान बवाल, बूथ कैप्चरिंग की सूचना के बाद बवाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी भी पहुंचे, पुलिस भी मौके पर ही थी मौजूद। ये सारा विवाद वहीं से शुरू होता है विशाल, जब कैप्टन वैरागी वहां पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप यह था कि वो यहां पर बोगस वोटिंग करवा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस के जो मतदाता है वोट डालने जा रहे हैं, उनको वोट करने से रोका जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे कैप्टन वैरागी हैं, योगेश वैरागी, जिनको बीजेपी ने इस बार चुनाव मैदान में विनेश फोगाट के सामने उतारा है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई थी और मेरे सहयोगी विजेंद्र भी जुड़ गए। विजेंद्र, क्या पूरा मामला था जरा बताइए, कौन सा गांव था, कौन सा बूथ था और क्या ये पूरा विवाद? इनके अंदर 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें जुलाना हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से मानी जाती है, जहां से विनेश फोगाट जो कुश्ती खिलाड़ी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी हैं। तो मामला बहुत दिलचस्प, बहुत कड़ा यहां पर मुकाबला है और सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट भी जींद की 5 विधानसभाओं में से जींद में हुआ। 30% के करीब यहां पर मतदान हो चुका है, लेकिन यहां पर उस समय यहां पर हंगामा हो गया जब एक गांव में बूथ कैप्चरिंग की सूचना आई। कैप्टन योगेश बैरागी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों के साथ उलझते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया, बहुत हंगामा हुआ और बहुत जो है आपस में नोकझोंक भी हुई। आरोप लगाया गया कि यहां पर बीजेपी की तरफ से बोगस पोलिंग करवाई जा रही है, उसी के चलते जो है लोगों ने उनका वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और पूरा वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जो है अन्य बड़ी घटना सामने नहीं आई है, पूरे जिले के अंदर जो है चुनाव प्रचार जो मतदान है बड़े शांति से हो रहा है और जुलाना के अंदर भी इस घटना के बाद जो है अभी फिलहाल शांति है, स्थिति जो है कंट्रोल में है, पुलिस मौके पर है और पूरे मामले को संभाल लिया गया है। लेकिन बोगस पोलिंग के आरोप लगे हैं, संभाल लिया गया मतलब क्या, क्या जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप गलत थे? अगर आरोप सही थे तो क्या उसकी छानबीन हो रही है? क्या ऑब्जर्वर वहां पहुंचे? क्या इस मामले का नोट लिया? देखिए, इसके मौके के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि वीडियो में जो है ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर बोगस पोलिंग करवाई जा रही थी, लेकिन बाद में कैप्टन योगेश बैरागी जो बीजेपी के प्रत्याशी ऊपर पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने, जिसका ग्रामीणों ने डटकर विरोध किया और विरोध का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि ये स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और पूरे मामले की इसमें जांच। कितनी देर के लिए वोटिंग वहां पर रोकनी पड़ी? जानकारी मिल रही थी कि 30 से 35 मिनट तक वोटिंग वहां पर नहीं हो पाई, लोगों का विरोध जारी रहा, लोग कह रहे कि वोट नहीं डालने दिए जा रहे, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वहां पर काफी देर हंगामा हुआ और हंगामा के दौरान थोड़ी देर के लिए जो है वोटिंग जो है मतदान प्रभावित हुआ। हालांकि स्थिति जैसे ही काबू में हुई, नियंत्रण हुई और आपने देखा कि कैप्टन योगेश बैरागी भी वो भी बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। हालांकि मौके पर पहुंचे थे सूचना पाकर वो, लेकिन हंगामे के बाद वो वहां से निकल गए, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और वहां पर मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है और पूरे जिले के अंदर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। धन्यवाद विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो अपने दर्शकों को फिर बताना चाहेंगे, जुलाना हॉट सीट है, सिर्फ प्रदेश की जनता की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं, बिल्कुल विदेशों में भी नजरें हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है विनेश फोगाट। ओलंपिक के बाद तो कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो गई, बढ़ गई। पहले पहलवानों का आंदोलन जिसको लीड किया था विनेश फोगाट ने, फिर ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होकर जो बाहर बैठे उसको लेकर भी लोगों की सहानुभूति, और वो चेहरा तो बड़ा है अपने आप में। उसके बाद जुलाना सीट पर सभी की नजरें, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये बीजेपी के उम्मीदवार जुलाना विधानसभा सीट से कैप्टन योगेश वैरागी है, जिनको उतारा है विनेश फोगाट से मुकाबला करने के लिए एक गांव में, जहां पर आरोप लगाया गया कि यहां बीजेपी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, बोगस वोटिंग हो रही है और कांग्रेस के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा के साथ कहा सुनी भी हुई है, ग्रामीणों ने एतराज जताया कि प्रशासन का ताकत का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। उसके बाद कुछ धक्का मुक्की हुई है, आपको सुनाते भी हैं आखिर वहां पर जब यह बवाल हुआ तो क्या आरोप लगाए गए और क्या जवाब दिया कैप्टन वैरागी की तरफ से।
तो सुदेश, अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जुलाना बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, काफी चर्चित सीट है, इसलिए कि चूंकि विनेश फोगाट को यहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो क्या ये सीट इसलिए चर्चा का कारण सिर्फ बन गई कि चूंकि विनेश फोगाट वहां पर है? अगर ये इस तरह की जो चर्चा हुई और इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो ये आरोप क्या ऐसे ही लग गए? नहीं, बिल्कुल हॉट सीट है और जुलाना बहुत हमेशा से तो ये हॉट सीट नहीं रही, क्योंकि एक बड़ा चेहरा वहां से विनेश फोगाट को उतारा है, तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ताकत भी लगाई जा रही है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जाट कम्युनिटी को लेकर जो माहौल यहां पर है वो ये है कि जाट कम्युनिटी में सहानुभूति है विनेश फोगाट को लेकर, और ये नजर भी आई हमें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है अभी तक वो यही सीट है जिन की, जहां पर 30% से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है ये सीट मतदान का। ये अगर इसकी ऑडियो सुना पाएंगे बाद में, मैं कहूंगी कि ऑडियो सुनाई, क्योंकि बातचीत बहुत दिलचस्प है। सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से कि बुजुर्ग हैं, दो वोट डलवाने, साथ में परिवार का कोई मेंबर नहीं जा पा रहा, लेकिन बीजेपी के एजेंट अंदर पोलिंग बूथ पर बैठे हुए हैं, अंदर जाकर बोगस वोटिंग कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए गए। बवाल इतना ज्यादा हो गया कि फिर सुरक्षा कर्मियों को जिम्मा संभालना पड़ा और मामला शांत करवाना पड़ा। तो ये अब बाबला ये है, हालांकि जो हमारे साथी है वहां से रिपोर्टर विजेंद्र, वो बता रहे थे कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, वोटिंग हो रही है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि जो आरोप लगे हैं उसके तथ्य को कैसे परखा जाएगा? आरोप के ऊपर क्या कुछ नोट लिया गया? क्या जो ऑब्जर्वर पहुंचे उन्होंने इस बारे में कोई नोट लिया कि इसकी चेकिंग की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा सच क्या है नहीं है? क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है जो अभी हमारे साथी सुदेश ने भी बताया कि आरोप ये लग रहा है कि तकरीबन आधे घंटे तक वहां पर वोटिंग का जो की प्रक्रिया है वो रुक गई, जो आम लोग वहां पहुंचे थे वोट नहीं कर पा रहे थे, उनका ये आरोप था कि वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, जो बोगस वोटिंग हो रही है, ये आरोप था। सवाल अब ये पैदा होता है कि जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, जो चुनावी अधिकारी हैं, वो इस बारे में क्या खुलकर कोई स्टेटमेंट देंगे, कोई बयान देंगे, कोई सफाई देंगे कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जी, शांतिपूर्ण तरीके से बाकी हिस्सों में प्रदेश के चुनाव संपन्न हो रहा है, वोटिंग हो रही है, जींद में भी कोई ऐसा माहौल नहीं, लेकिन जुलाना के गांव से तस्वीर जरूर सामने आई थी। और लगातार ये कोशिश भी प्रशासन की है, चुनाव आयोग की है, कि शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न होना चाहिए। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन अभी तक मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जुलाना क्योंकि हॉट सीट है, सभी की नजरें हैं, ऐसे में यहां पर अगर कुछ घटना घटी है तो उस पर जरूर सवाल उठेंगे, उस पर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों यहां पर बवाल हुआ, इसके पीछे वजह क्या। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं जुलाना विधानसभा सीट से जो विनेश फोगाट के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बहुत कड़ा मुकाबला है यहां पर, कोई एक तरफा माहौल तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ताकत सभी दलों की तरफ से लगाई गई है। जेजेपी के निवर्तमान विधायक फिर से यहां चुनाव मैदान में हैं, अमरजीत ढांडा, जिन्होंने जेजेपी का उस वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा जब साथ छोड़कर सब लोग जा रहे थे, तो वो भी यहां पर है। इनेलो ने भी अपने ताकतवर चेहरे को यहां पर उतारा है, बीजेपी ने भी यहां पर जातिगत, जो जाति का कार्ड होता है, कास्ट कार्ड, वो खेला है। दूसरा ये कि कविता दलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, ताकि जो जातिगत समीकरण है उनको साधा जाए, सेंधमारी की जाए और एक तरफा जीतना हो। वही कांग्रेस ये दावा कर रही है, विशाल लगातार हम आप बात भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का यह दावा कि सबसे बड़ी जीत अगर होगी इस विधानसभा चुनाव में तो जुलाना विधानसभा से होगी। और कांग्रेस का एक यहां पर एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि वो साबित करे कि पहलवानों के साथ कांग्रेस, बीजेपी ने अन्याय किया था, कांग्रेस ने साथ दिया था और इसलिए जनता भी इस पूरे मसले पर हमारे साथ खड़ी। बिल्कुल, तो इससे जुड़ी जो बयानात हमारे पास आए हैं, जो बाइट्स आए हैं, वो आपको हम सुनाएंगे कुछ देर में। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, कुछ और खबरें अहम आपको बता देते हैं। वो खबर है अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल